हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एकांकी की बात करेंगे। वो है एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात। आपको पता है कि औरंगजेब जीवन के अंतिम समय में किस तरीके से अपने भावों के अभिव्यक्तिकरण मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनी पुत्री जीनत के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। आइए देखते हैं। इस एकांकी की तथ्य का पुष्टिकरण इस प्रकार किया गया है, जिसमें 18 फरवरी 1707 ईस्वी की रात्रि में 3 बजे मृत्युशैया पर पड़े आलमगीर औरंगजेब के पश्चाताप एवं आत्मग्लानि का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है, क्योंकि इस समय औरंगजेब शैया पर अर्थात मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ है और वो अपनी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण कर रहा है। बादशाह की मना स्थिति बड़ी दर्दनाक है। वो अपने भाव को किस तरीके से व्यक्त करे, अपने उस दर्द को किस तरीके से व्यक्त करता है, उसके मलिन और प्राश्चित से प्राश्चित करना चाहता है। वो अपने जीवन में बहुत सारी बातों का उससे ओतप्रोत है। इस समय उसकी पुत्री जीनत उन्निसा बेगम उसकी दाई तरफ सुसज्जित होकर की पीठिका पर एक स्थान पर विराजमान है, अर्थात उसी के पास बैठी हुई है, जिसे वह अपनी विगत स्मृतियां सुना रहा है। वो अपने जीवन में घटित बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराता है और क्या क्या कहता है सुनते समय उसके जब वो सुना रहा होता है, उस समय वह इतना भावुक और प्राश्चित की अग्नि में डूब जाता है कि ऐसा लगता है कि उसके साथ केवल उसके आंसू ही उसके प्राश्चित को धोने के लिए तो लग स्रोत के काम कर रहे हैं। वह कहता है कि जिंदगी उससे अब दोबारा नहीं मिलेगी, अब उसे जीत चुका है। वो देखता है बाहर की तरफ झांक करके, देखता है झांक करके अर्थात जैसे जिस प्रकार पर्दा हटा करके देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार देखता अंधेरा ही अंधेरा है। कितना डरावना है, वो देख करके भयभीत हो जाता है और खौफनाक उसे लगता है ये खौफ है, मेरी मृत्यु का खौफ है। दुनिया को अपने स्याह के पर्दे में लपेटा हुआ है, ऐसा लगता है ये अंधकार पूरी दुनिया को एक स्याह के रूप में लपेट लिया है, गोया हमारी ज़िंदगी हो। और वो लगता है कि क्योंकि वो जान रहा है कि मेरे जीवन की शायद ये अंतिम समय है, इस समय वो के बाद उसकी सुबह कभी आएगी या नहीं आएगी, इसलिए वो बहुत ही प्राश्चित रूप में है। अगर होगी भी तो वह उसे काले समंदर में डूब जाएगी। इस अंधेरे में सूरज भी निकले तो वह स्याह हो जाएगा। थोड़ी देर वो रुक जाता है, उस अंधेरे को देखता है, फिर सोचता है और कहता है खुदा, वो संबोधित करता है उस खुदा को कि मैंने जो अपने जीवन में किया है वो मैंने आपका नाम लेकर के किया है। कहता खुदा, हमने तेरा नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया कि मैंने जो शासन किया वो तेरे नाम से किया, अर्थात मैं आपका नाम लेकर के मैंने काम करना प्रारंभ किया, सल्तनत का काम देखा, तेरा नाम लेकर औरतों और बच्चों को कैद किया। वो ये भी कहता है कि मैं तेरे नाम पे ही औरतों और बच्चों को कैद करके रखा हूँ, तो मैंने क्या गलत किया। उसको ये लगता है कि जब मैं खुदा के नाम पर काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं किया हूँ, वे सब तेरे बच्चे बंदों पर एतबार नहीं किया, तेरा नाम लेकर कुरान की कसम खाकर मुराद भाई मुराद से सुलह की और फिर उसका खून। वो इस तरीके से अपनी भावनाओं को खुदा के सामने या खुदा के नाम पर व्यक्त करता है, कहता है कि मैंने जो भी कर्म किए या जो भी कार्य किए जो भी शासन किया है वो मैंने आपके नाम पे किया है। यदि मैंने किया है, यदि औरतों को बच्चों को मैंने कैद किया है, यदि क्यों किया, क्योंकि वो आपके ऊपर एतबार नहीं करते हैं, अर्थात खुदा पर एतबार नहीं करते हैं, जिस कारण से मैंने उनको कैद करके रखा था। अब औरंगजेब जब आखिरी रात में जो एकांकी का उद्देश्य है उसमें दिखाया गया है कि एकांकी में औरंगजेब अपने व्यक्तित्व को कई रूपों में अपने सामने प्रस्तुत करता है। उसमें से औरंगजेब एक बादशाह रूप में उसके चरित्र की समस्त पहलुओं पर
लेखक ने वर्णन किया है उसकी वीरता की भी प्रशंसा की है, उसकी सतर्कता की और इस्लाम धर्म के प्रति उसका प्रेम भाव जो है उसका भी वर्णन इस एकांकी में किया गया है। राजपूतों मराठों के प्रति उसकी जो कटुता और घृणा की भावना है उसका भी प्रदर्शन दिखाया गया इस एकांकी के माध्यम से। हिंदू धर्म के प्रति विद्वेष की चिंताजनक आर्थिक स्थिति, सख सुबह परेशानियों, मानसिकता विक्षुब्धता, हृदय की विफलता, कमजोरी और बुढ़ापे की बेबसी, हजारों सल्तनतियों के कत्ल, द्वार सुजा मुराद तख्त ताऊस का हक न देना, बाप को कैद करके रखना और घोर प्राश्चित। अब इन सारी बातों को लेकर के प्राश्चित कर रहा है, घबराया हुआ है, तड़प आदि सभी के बारे में दर्दनाक ढंग से प्रस्तुत किया गया इस कहानी एकांकी में। एकांकी में औरंगजेब उसके जीवन की आखिरी रात में एक सामान्य मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि अंतिम समय में व्यक्ति किस तरीके से प्राश्चित करता है। समस्त चारित्रिक पहलुओं पर यदि उसका चरित्र चित्रांकन करते हैं तो समस्त पहलुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, समसामयिकता का बोध कराता है। औरंगजेब के हृदय में जो विनम्रता के भाव स्फुटित होते हैं अंतिम समय में वो सामान्य सी बात है। उसके वाक्य में जो दर्द है, जो प्राश्चित या पश्चाताप कर रहा है, वो टपकता हुआ दिखाई दे रहा है कि वास्तव में व्यक्ति अंतिम समय में किस प्रकार अपने किए गए कर्मों के अपराधों से अपने आप से क्षमा मांगता है। प्रस्तुत एकांकी में कार्यकलाप अधिक नहीं है, भावोद्गार अधिक है। बुखार के प्रलापों द्वारा विगत स्मृतियां हरी होती हैं और प्राश्चित के अग्नि की अग्नि में जलता है। एकांकी में अनेक अंश हैं, कारण है, पश्चाताप है, आत्मग्लान है, सेवोत्प्रोत है, उसमें चित्रोपता भरी पड़ी हुई है, सजीव वर्णन है, पुरानी घटनाओं की स्मृतियां बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वर्मा जी ने मनोवैज्ञानिक शैली में बड़ी ही मार्मिकता के साथ पूर्ण सफलता अपनाई है। औरंगजेब के गूढ़ मन में पड़ी हुई अनेक दुखद स्मृतियाँ आत्मग्लान से मथित होकर स्मृतियों की पलटों पर आ जाती हैं। इस एकांकी में अर्थात औरंगजेब की आखिरी रात प्रस्तुत एकांकी ऐतिहासिक सत्यता को के साथ भावनाओं का तीखापन के साथ इसमें निर्देशित चरित्र ऐतिहासिक खोजों की आधारशिला पर खड़ा कर दिया है। वर्मा जी ने औरंगजेब के जीवन की समस्त मनोवैज्ञानिक पहलुओं को वर्णित किया है एक प्रक्रिया के रूप में, एक घटना के रूप में। जो वर्मा जी ने जो एक मंचन का ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि वास्तव में ये मंचित किया गया हो, इस तरीके से कलम की उस ताकत को एकांकी का माध्यम बनाया है इस औरंगजेब की आखिरी रात की एकांकी में। इस एकांकी का समस्त मनोवैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक पात्रों पर आधारित है और जो औरंगजेब ने अपने जीवन काल में किए हैं अपने पुत्रों को वो अंत में पत्र लिखता है आदि बातों से मनोवैज्ञानिक तरीके से अभिव्यक्तिकरण इसमें किया गया।